Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. Ab online padhega, tabhi to 4G banega India. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. Hello everyone and welcome to Major Kalshi classes. Dear students, Indian Navy ne ek aur notification nikali hai, ek aur vacancy nikali hai. Ye vacancy graduates ke liye hai with a certain work experience. To is ke bare mein aaj ki is video mein baat karenge. Vacancy का नाम या पोस्ट का नाम है साइंटिफिक असिस्टेंट। तो साइंटिफिक असिस्टेंट की ये पोस्ट है और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म कब और कैसे भरना है, ये सब बातें हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, बिकॉज अगर आप वो मीट नहीं कर रहे तो आपको बाकी चीज़ें सुनने का और टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो ये है कि आपने BSc किया हो फिजिक्स या केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स या ओशिनोग्राफी के साथ, और उसके साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो, आपने काम किया हो इन सेक्टर्स में, मटेरियल, मशीनरी, नॉइस एंड वाइब्रेशन मूवमेंट्स, केमिकल एनालिसिस ऑफ ऑयल्स, लुब्रिकेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर, स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ कोरोजन प्रोसेस एंड मिटिगेशन टेक्निक्स। तो ये जो फील्ड्स हैं इसमें आपने अगर कर रखा है, मतलब एक्सपीरियंस है आपके पास 2 साल का, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ बड़ी बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें अच्छा खासा एक रिलैक्सेशन भी होगा डिपेंडिंग ऑन 2 फैक्टर्स। 1, अगर काफ़ी कम एप्लीकेशन आते हैं जितना उनको चाहिए, तो उस कंडीशन में इन ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें ये लोग रिलैक्सेशन भी देंगे। और दूसरा ये कि जो SC ST और जो अदर जो रिजर्वेशन है उसमें अगर इनको अगर एप्लीकेशन कम मिलते हैं तो उसमें ये लोग काफ़ी एक रिलैक्सेशन देने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है इंडियन नेवी में ये, और ये फॉर्म ऑफलाइन भरना है, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। पहले थोड़ा सा हम इसका नंबर ऑफ वैकेंसी जो है और जो एज क्राइटेरिया है उसकी बात कर लें। तो अगर वैकेंसी की बात करें, टोटल इसमें 15 सीट्स हैं, टोटल 6 सीट्स हैं अनरिजर्व्ड, 3 सीट्स हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, 2 सीट्स हैं शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, 2 सीट्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1 सीट है, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 1 सीट रिजर्व्ड है जिसके पास कोई OH मतलब ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड जो पर्सन है, अगर कोई अगर ऑर्थोपेडिक मतलब हड्डियों से रिलेटेड अगर कोई डिसेबिलिटी है तो हाथ पैर में, उस कंडीशन में 1 सीट रिजर्व। टोटल 15 सीट्स हैं यहाँ पे। और इसका जो एज का क्राइटेरिया है उसकी अगर हम बात करें तो 30 इयर्स इन्होंने एज मांगी है, आपकी एज 30 साल तक हो सकती है डेट ऑफ ज्वाइनिंग के टाइम पे। और दूसरी बात ये कि इसमें भी कंसेशन होगा, रिलैक्सेशन होगा, जो अदर जो रिजर्व्ड कास्ट है उनके लिए कंसेशन है। अगर हम सीधा एज के कंसेशन पे चलें तो SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का कंसेशन है, रिलैक्सेशन और OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की अगर बात करें तो उनके लिए एडिशनल 10 साल का एक कंसेशन है, रिलैक्सेशन है। तो मान लीजिए अगर कोई कैंडिडेट OBC है और साथ में डिसेबल्ड भी है तो उसके पास 3 + 10 = 13 साल का रिलैक्सेशन हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट जॉब में है उसके लिए 5 साल का और रिलैक्सेशन है। तो 5 साल का रिलैक्सेशन फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में अगर काम कर रहे हैं बट इफ़ दे वांट टू जॉइन इंडियन नेवी एज अ साइंटिस्ट, उनके लिए 5 साल का एक रिलैक्सेशन है। तो इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी, सिर्फ एक रिटर्न एग्ज़ाम होगा, रिटर्न एग्ज़ाम से पहले एक शॉर्ट लिस्टिंग भी होगी एप्लीकेशन की। शॉर्ट लिस्टिंग वाला जो क्राइटेरिया है वो ऐसा है कि इट डिपेंड्स कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने हैं, बिकॉज एक लिमिट होगा, ये लोग जब बुलाएंगे रिटर्न एग्जाम के लिए बंदों को तो दे कैन कॉल ओनली सर्टेन नंबर ऑफ पीपल। तो अगर तो एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा नहीं है तो एवरीबडी वुड गेट अ चांस टू अपेयर इन द रिटर्न एग्जाम, बट अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं तो ये लोग शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। शॉर्ट लिस्टिंग होगा आपके ग्रेजुएशन के परसेंटेज के बेसिस पे, तो ग्रेजुएशन के परसेंटेज के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट होकर आप रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे। और रिटर्न एग्जाम के बाद कोई SSB इंटरव्यू वगैरह नहीं होने वाला है, आपका रिटर्न एग्जाम होगा, और आप अगर रिटर्न एग्जाम में मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आप सिलेक्ट होंगे डॉक्यूमेंट चेकअप के बाद ऑब्वियसली। और इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न उसकी अगर हम बात करें तो जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस एंड रीजनिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस इन रिलेवेंट ट्रेड फील्ड।
तो आपका जो ट्रेड या फील्ड है मटेरियल या फिर लुब्रिकेंट, जो भी फील्ड में आपने काम किया है केमिस्ट्री की, उसके उस ट्रेड के बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। सबसे ज़्यादा वेटेज उसी का है, 50 नंबर उसी पोर्शन से होंगे, टोटल 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर मैंशन नहीं किए हैं, बट वी आर एज्यूमिंग कि 10 मार्क्स हैं तो 10 क्वेश्चन ही होंगे, तो टोटल वी एज्यूम कि 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे, और एक थोड़ा सा चांस हो सकता है कि शायद 50 क्वेश्चन हो, 100 मार्क्स हो। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इन्होंने मेंशन नहीं किए, बट हाँ टोटल मार्क्स 100 ही हैं, तो चांसेस हैं कि 100 क्वेश्चन होंगे, और मैक्सिमम चांसेस है कि 100% 100 क्वेश्चन होंगे, बट थोड़ा सा चांस ये भी कि सिर्फ 50 क्वेश्चन हो। तो ये था आपका पेपर पैटर्न, सिर्फ एक रिटन एग्जाम है और उसी के में जो आप स्कोर करेंगे उसी के बेसिस पे आपका जो फाइनल रिजल्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर सिलेबस की बात करें, इस पीडीएफ के अंदर ही डिटेल में सिलेबस दे रखा है, क्या क्या पोर्शन है इंग्लिश का, रीजनिंग का, अरिथमेटिक का, तो ये जो पीडीएफ है इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लगाएंगे, आप इसको रेफर कर सकते हैं, सिलेबस चेक कर सकते हैं। जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो ऑफलाइन है, आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन भेजनी है थ्रू पोस्ट, बाई पोस्ट, और एप्लीकेशन भेजने की जो लास्ट डेट है वो है 16 जनवरी। तो एक्चुअली ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आया है 26 दिसंबर वाली एडिशन में, और इन्होंने लिखा है कि 21 दिन के अंदर एप्लीकेशन आनी चाहिए। तो 21 दिन होते हैं 26 दिसंबर से 16 जनवरी को, तो 16 जनवरी तक आपकी एप्लीकेशन पहुंचने चाहिए। और एक जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के जो लोग हैं उनके लिए 28 दिन का टाइम दिया है, तो उनका एप्लीकेशन 23 जनवरी तक पहुँच सकता है। तो ये पीडीएफ के नीचे आप जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, इसी को आप डाउनलोड कर लीजिए, इसी को प्रिंट कर लीजिए और इसी को भर के आप भेज सकते हैं, फोटो लगा सकते हैं, अपना जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो सब भर सकते हैं और ये भेज सकते हैं। एड्रेस वगैरह भी सब इसी पीडीएफ में दिया हुआ है और काफ़ी डिटेल्स हैं शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब्स की जो क्राइटेरिया है उसको लेके, क्या क्राइटेरिया है, कौन से डॉक्यूमेंट उसके आपके सपोर्ट में लगाने हैं, और इसमें जो पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी वाला पोर्शन है उसमें आपका अगर ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी है तब भी आप एलिजिबल हैं। और एक इसमें ये भी चीज़ मेंशन थी कि जो लोग को 40% तक अगर विजन में प्रॉब्लम है, मतलब ब्लाइंडनेस कह सकते हैं 40% तक, वो भी एक्सेप्टेबल हैं और वो एग्ज़ाम लिखने के लिए किसी की हेल्प से भी लिख सकते हैं, स्क्राइब भी रख सकते हैं एग्ज़ाम लिखने के लिए। तो इसमें मतलब आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, उसमें कुछ इनका बहुत स्ट्रिक्टनेस नहीं है, तो आई विजन हो गया, हाइट हो गया, वो सब मैटर नहीं करेगा, बिकॉज ये साइंटिस्ट की पोस्ट है, तो वाई शुड दे वरी अबाउट फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स। साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें आपका जो काम होगा मोस्टली, जो आपका जो प्रोफाइल होगा आफ्टर ज्वाइनिंग द इंडियन नेवी, वो ये होगा कि जो केमिकल्स हैं, जो फ्यूल्स हैं जो यूज़ होते हैं शिप्स के अंदर, बोट्स के अंदर, और उनका आपको टेस्टिंग वगैरह करना होगा, क्वालिटी चेक करना होगा, मिनरल वाटर होता है, प्योर वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, उन सबका क्वालिटी चेक, और बेसिकली आपका जो केमिस्ट्री लैब में जैसा माहौल रहता है कुछ वैसा माहौल रहेगा, कुछ वैसा वर्क एनवायरनमेंट रहेगा, केमिकल्स, फ्यूल्स और वाटर का टेस्टिंग, यही सब आपका काम होगा। और ज़रूरत पड़ने पे आपको और भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए जाएंगे, बट बेसिक काम आपका एज अ साइंटिस्ट, एज अ साइंटिफिक असिस्टेंट यही रहेगा। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए, अगर आप क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं एजुकेशनल और एज का, आप बिल्कुल फॉर्म भरिए, अप्लाई करिए, बाय पोस्ट इस फॉर्म को भेजिए। और जहां तक तैयारी की बात है, इसका जो सिलेबस है वो देखा जाए तो आपका जो जनरल एप्टीट्यूड होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, वैसा सिलेबस है कुछ इसका। तो अगर आपके पास ऐसा स्टडी मटेरियल नहीं है, रेलिवेंट स्टडी मटेरियल नहीं है, तो आप जैसा एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्ज़ाम होता है या फिर एफकैट का एग्ज़ाम होता है, इनकी जो बुक्स हैं आप बिल्कुल उसको अवेल कर सकते हैं। अगर आप विजिट करेंगे www.mkcpublication.in, ये पब्लिकेशन की वेबसाइट है mkcpublication.in, वहां से आप पूरा का पूरा किट ऑर्डर कर सकते हैं एयर फोर्स वाई ग्रुप का या फिर एफकैट का। सिलेबस बिल्कुल सेम है, वही सारे जो टॉपिक्स हैं वही कवर्ड होंगे, तो यही आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो आप इसकी तैयारी करेंगे और आपका ऑफलाइन एक रिटन एग्जाम होगा, उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो मेजर कल्ची क्लासेस तरफ से आप सभी एस्पिरेंट्स को जो इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहेंगे एज साइंटिफिक असिस्टेंट, सारा गुड लक। मेजर कल्ची क्लासेस ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट, अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द एमकेसी लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स।